तो अभी निकलते हैं पाटन रानी की वाव, टिकट ले ले रहे हैं रानी की वाव पाटन। तो देखिए दोस्तों यहाँ फॉरेनर भी आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दोहित अंसारी, ATS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पाटन निकल रहे हैं और पाटन में मैं आपको रानी की वाव दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अभी पाटन के लिए। तो अभी निकलते हैं पाटन रानी की वाव और चलते हैं, फिर मिलते हैं पाटन रानी की वाव पे। दिखाता हूँ मैं आपको आज रानी की वाव। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पाटन जाने के लिए और ये ऊंझा से पाटन दोस्तों रास्ता है जाने के लिए। पाटन जाके फिर वहाँ से हमें रानी की वाव जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पाटन पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम धारपुर पहुँचने वाले हैं। ये धारपुर गांव है जो ऊंझा पाटन रोड पे आता है और यहाँ पे बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है। आपको मैं दिखा दूँ, वो सामने आपको दिख रहा है, वो मेडिकल कॉलेज है, MBBS और ये सब मतलब यहीं से होता है। तो यही है वो धारपुर कॉलेज। वो देखिए दोस्तों ये धारपुर कॉलेज यहीं पे है। ये रहा उसका मेन गेट, सामने मेरे राइट साइड में ये गेट है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। देखिए तो दोस्तों अभी हम पाटन सिटी में एंटर हो चुके हैं और आपको दिख रहा होगा ये पाटन सिटी है। तो यहाँ से अभी हम रानी की वाव जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम रानी की वाव पहुँचने वाले जस्ट। दोस्तों ये हम देखिए, आप काफ़ी मतलब शानदार जगह देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत जगह है। तो MT को हम कहीं पार्क कर देते हैं पहले और फिर चलते हैं अंदर। सबसे पहले हम इसको कहीं पार्क कर देते हैं यहाँ, और पार्क करने के बाद दोस्तों हम फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी हम रानी की वाव पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये टिकट विंडो है, तो चलते हैं सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। टिकट ले ले रहे हैं, 40 रुपीज़ है टिकट के। ये 40 रुपीज़ की टिकट ले ली। चलते हैं अभी अंदर, एंट्री है और यहाँ से चलते हैं अभी अंदर। देखिए ये गार्डन है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, पूरा व्यू देखिए आप। फिर हम आगे चलेंगे, पहले एक बार ये व्यू देख लीजिए आप। और यहाँ से अभी हमने एंट्री की और आगे अभी चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये व्यू आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो देख लीजिए, रानी की वाव पाटन। तो दोस्तों अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं इस साइड से।
देखिए काफ़ी अच्छी गार्डन है, देखिए दोस्तों पूरा गार्डन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे गरबा कर रहे हैं लोग, दिख रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी और आगे चलते हैं, पूरा गार्डन एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। और दोस्तों ये कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा गार्डन है, बढ़िया गार्डन दिख रहा है, देखिए आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और एक इसका सिनेमेटिक व्यू हम लेंगे बाद में, तो अभी फ़िलहाल और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेन जगह है रानी की वाव जिसे बोलते हैं, जो हम देखने आए हैं, तो ये रानी की वाव, चलते हैं अंदर अभी। ध्यान से उतरना है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों नीचे, और तो यही है दोस्तों रानी की वाव, देखिए। और ये सब कलाकृति देखिए दोस्तों, जो पहले बनाई गई थी। चलते हैं अभी और नीचे। काफी शानदार जगह है, और हम लोग वहां से अभी उतर के आ रहे हैं नीचे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या है यहाँ पे, तो उतरते हैं अभी नीचे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए ये काफी खूबसूरत बनाया गया है,
और देखिए दोस्तों काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे बाहर से आए घूमने, आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं और आगे अभी नीचे, और ये देख लीजिए ये सारे पिलर्स पे खड़ा है ये पूरा, आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं और नीचे अभी। टच स्क्रिप्चर्स, मतलब मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना है, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है घूमने आने के लिए, मतलब ऐसे अच्छा है, बड़ा आके घूमना जा सकता है ये लोकेशन। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत सी मतलब पुरानी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। देखिए और ये लोग सारे साउथ इंडियन हैं दोस्तों। देखते हैं अभी आगे और चलते हैं नीचे क्या है, और नीचे आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों ये मेन जगह है, लेकिन यहाँ से आगे जाना मना है, ये बंद कर दिया गया है यहाँ से। देखिए ये सारे लोग यहीं से देख रहे हैं, लेकिन मेन जो जगह है वो नीचे है जो कि बंद कर दी गई है, आपको दिख रहा होगा नीचे। तो यहीं से आप शूट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा होगा देखिए दोस्तों अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे अभी ऊपर की तरफ वापस से। देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ फॉरेनर भी आते हैं, ये देखिए।
चलते हैं अभी आगे और देखते हैं यहाँ से बाहर अब क्या है दोस्तों। तो ये पूरा व्यू देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों ये काफी अच्छे फाउंटेन चल रहे हैं, चलते हैं अभी और आगे। तो दोस्तों देखते हैं अभी और आगे चलते हैं, और ये पूरा गार्डन देखिए दोस्तों, देखिए काफ़ी खूबसूरत गार्डन है दोस्तों। और फैमिली के साथ या कपल्स के साथ आने के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है। न्यूली मैरिड अगर वेडिंग शूटिंग करवाना है तो भी ये काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों। को दिख रहा होगा देखिए, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बीच खपड़ा बैठा है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि ये रानी की वाव मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।